चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जमीन की संभावनाओं से आबादी और एग्रीकल्चर लैंड तय होगी, इस बात पर भी हम सीधी मांग करना चाहते हैं। किसान 8 साल पुराने या 9 साल पुराने रेट पर अपनी जमीन क्यों दे? किसान को तो किसी सरकार ने कुछ देने की कोशिश करी नहीं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, कब से आपका धरना प्रदर्शन हो रहा है? ये हमारा 28 तारीख से शुरू हुआ था अनिश्चितकालीन धरना, आज 5वां दिन है इसके लिए। क्या मुख्य मांगे हैं किसानों की इस धरने को लेकर? धरना यहाँ पे एक दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहा, उसके बारे में हम पिछले 1 साल से संघर्षरत हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई भी मांग सरकार ने नहीं सुनी और ना ही पूरी करी। क्योंकि सबसे बड़ी मांग है हमारी मुआवजे की, उचित मुआवजा। कोई ऐसे नहीं मांग रहे, हमारी जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे हैं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से। सरकार दे रही है सर्किल रेट के हिसाब से। सर्किल रेट की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में और शामली जिले में 2014 के बाद नहीं की गई। तो किसान 8 साल पुराने या 9 साल पुराने रेट पर अपनी जमीन क्यों दे? एक इसी हाईवे में एक गाँव जा रहा है बागपत डिस्ट्रिक्ट का, मवी कला, वहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर बीघे का मुआवजा बनता है। और हमारे यहाँ शामली जिले में 9.5 लाख रुपए से लेकर और हाईएस्ट 11.5 लाख रुपए। और किसान की तो हालत गिरती जा रही है, किसान को तो किसी सरकार ने कुछ देने की कोशिश करी नहीं। 60 रुपए 62 रुपए डीजल का दाम था, आज वो 100 को पार कर गया, लेकिन जमीन के बेगे वही रेट दे रहे हमें। ये जो गांव का किसान जब निस्वारत होगा, अंधकार यहां से फिर गारत होगा। किसान और मजदूर मिलकर हो, किसान और मजदूर मिलकर खेतों में कमाएंगे, चंदन जैसे इस मिट्टी से सोना उग जाएंगे। कंपनी वाले काम तो कर नहीं रहे, मशीनें सब प्लांट में खड़ी, लेकिन सर्वे वाले कहाँ छुपेंगे? एक हाईवे ये निकल ही रहा गोरखपुर वाला, 1400 बीघे का सर्वे इधर हो लिया, 1400 का इधर हो लिया, 600 बीघे का यहाँ हो लिया, बाबरी के रास्ते पर ही भाग है इसके पीछे। एक हवाई पट्टी का सर्वे चल रहा, जमीन नहीं बचनी यहाँ कुछ। भाई हमारे नुकैद है, भाई थारी जमीन जा रही तमिल, लड़ लो लड़ाई, नंबर सबका होगा, बचना कोई नहीं। शासन को भी आना पड़ेगा, सरकार को भी आना पड़ेगा, ये तो किसान की लड़ाई है। और किसान कभी जो है सरकार से किसी से झुका नहीं, ना डरता। जब किसान का सब कुछ सरकार छीन लेगी तो फिर किसान क्या कौन रहेगा? रहा ये आंदोलन कितना भी लंबा चले, कितना भी इसमें संघर्ष करना पड़े, किसान की जमीन का उचित रेट जो है ये जहाँ से शुरू हो रहा और देहरादून तक, वहाँ तक बराबर रेट देना पड़ेगा सरकार।
किसान कमजोर और उद्योगपति मजबूत, सरकार शायद उद्योगपति के पाले में बैठ के उसे ज्यादा मजबूत समझ रही है। हो सकता है सरकार उसके सामने कमजोर पड़ी हो, ये किसान है, फसल को अपनी माँ समझता है, उसके लिए 13 महीने लड़ा था, 700 शहादतें दी थी और ये सिलसिला रुका नहीं। जब तक इस जमीन पर उद्योगपतियों की मनसा है, निगरानी है, तब तक इसी तरीके से कभी जमी पर तो कभी एसी पर बैठ करके अपने खेत की निगरानी करने के लिए तैयार किसान खड़ा है, चाहे ये सिलसिला 30 साल चले चाहे 50।